वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है मंडे और मेरा जो आवाज़ है थोड़ा बहुत बैठ गया है, तो जस्ट स्टिक टू इट। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ एक्चुअली थोड़ा बहुत बाहर जाने के लिए, थोड़ा अर्जेंट काम में। वो अर्जेंट काम मैं आपको बाद में बताऊँगी क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं आपके साथ बात करती हूँ बाद में, बाय। तो यहाँ पर बेबी का फिर से मुंडन हो रही है सैलून में, और फादर इन लॉ और हस्बैंड ने उसको लेकर आए थे बट ये नहीं दिखा रही थी, तो मजबूर होके मुझे जल्दी यहाँ पर आना पड़ा। तो आने के बाद मैं यहाँ पर जो किचन में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए, और आज मैं बनाऊँगी लंच। तो लंच में बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, उसके साथ दाल फ्राई और चावल, और सिस्टर इन लॉ जो बनाएंगे एक पत्ते वाला सब्जी, इसको साग बोलते हैं, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बट ये सिस्टर इन लॉ बनाएंगे और मैं कढ़ाई पनीर बनाऊंगी। तो कढ़ाई पनीर का जो रेसिपी है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपने मेरा वेडनेसडे का स्पेशल लंच रूटीन देखा है तो कढ़ाई पनीर का जो रेसिपी है आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा जो कढ़ाई पनीर का प्रोसेसिंग चल रही है, और साथ ही साथ बेबी के लिए भी मैंने खिचड़ी बना रही हूँ, और दाल जो है उसको तड़का लगाना बाकी है। यहाँ पर सिस्टर इन लॉ जो बना रहे हैं साग, और मेरा जो ऑलरेडी कढ़ाई पनीर जो है हो गई है,
तो मैं अभी तड़का लगा रही हूँ दाल के लिए, और यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं लहसुन और ग्रीन चिली, एक सूखी मिर्च और थोड़ी सी क्यूमिन सीड्स और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स। इन सारी चीज़ों को ऑयल में फ्राई करना है और बहुत अच्छे से साग को धोना है, क्योंकि साग में थोड़ा बहुत मिट्टी भी रह जाता है। तो अच्छे से धोने के बाद इसको इसमें डाल देना है और सल्ट डाल के उसको अच्छे से पकाना है। और पकने के बाद यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये एक उड़द दाल की बड़ी, और ये जो बड़ी है उड़द दाल बनाया जाता है, और इसको आई थिंक हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट उड़ीसा में इसको बड़ी ही बोलते हैं। उसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करने के बाद इस साग में ये डालते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुबह जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं बहुत ही एक अर्जेंट काम में गई थी, क्योंकि आज जो है फिर से मेरा बेबी का मुंडन हुआ। क्योंकि हमारा यहाँ पर कल्चर है कि बेबी का मुंडन होने के बाद और एक बार उसको उसका मुंडन होता है, तो आज मैं फिर से सैलून गई थी उसका मुंडन के लिए। तो अभी अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है आपके लिए, ये है मेरा शादी का एल्बम। तो बहुत दिनों से व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपनी शादी का एल्बम शेयर करूँ, तो फाइनली आज मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और
और इस वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी पब्लिश कर दूंगी। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगी, आप इसको इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही एक स्पेशल दिन था। तो अभी जो टाइम हुआ है शाम का 5:30 हो रही है और बाहर थोड़ा बहुत धूप जो है चली गई है, तो मैं अभी थोड़ा सा छत पे जाऊंगी हमारा डॉगी के साथ खेलने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर वो जो है ऊपर ही रहता है, तो उसके साथ मैं थोड़ा सा खेलूंगी। और बेबी जो है यहाँ पर सो रही है, तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से मैं ऊपर में जाती हूँ। और आज का कुछ खास प्लानिंग नहीं था, जो प्लानिंग था वो कैंसिल हो गया था, क्योंकि आज जो है बेबी का फिर से मुंडन हुआ था, तो इसकी वजह से हमने सोचा कि कल जाएंगे। और कल हमने जा रहे हैं सी बीच, तो जब भी आती हूँ यहाँ पर होपताल में, तो हम लोगों ने फैमिली मिलकर सी बीच में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो मज़ा होता है, मस्ती होता है, वो किसी और जगह पे नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हम कल जाएंगे। और आज मैं एक्चुअली जाऊँगी मार्केट थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैं अपने खुद को नहीं रोक पाती हूँ, मुझे तो शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं जल्दी से ऊपर जाती हूँ और ऊपर जाते आपका जो तो यहाँ पर मैं छत पे आई हूँ, बट मैं दरवाजा को बंद करके ही उसी साइड को डॉगी के साथ खेल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ उस वक्त एक्साइटेड थी। तो ये जब भी एक्साइटेड होता है तो किसी के ऊपर भी चढ़ जाता है, तो इसलिए मैं उसके पास नहीं गई थी। तो उसके साथ ही यहाँ पर इस तरह से खेल रही हूँ, और खेलने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत स्नैक्स खाएंगे, और स्नैक्स खाने के बाद हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तो अभी शाम का 7 बज रहे हैं और हस्बैंड जो है बाहर से आ गए हैं, और हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं भीसल जाने के लिए, क्योंकि हम मार्केटिंग के करने के लिए भीसल जा रहे हैं। और यहाँ पर भीसल में बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है, और सोच रही हूँ कि भी मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, और आज हमने बहुत सारा एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग फैमिली टाइम बहुत सारा स्पेंड किया है। तो यहाँ पर जब भी बेबी आती है तो सॉफ्ट टॉयज के पास ही खड़ी रहती है, और उसको सिर्फ सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलना होता है। तो यहाँ इस तरह से हम लोग कुछ शॉपिंग कर रहे थे, और फिर हम लोग घर चले गए थे। और घर जाने के बाद बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो इसलिए हम आप लोगों के साथ बात में नहीं कर पाई। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी मेरे इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है तो बहुत सारा थैंक यू। तो मैं मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय, स्टे हैप्पी।